हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सा ये केबल डिज़ाइन। फ्रेंड्स, इसमें दो तरह की केबल डली है, एक बहुत ही पतली छोटी छोटी और एक थोड़ी सी मोटी केबल। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर लगती है डलने के बाद। और ये मैंने एक बॉर्डर पहले ही बना लिया है। फ्रेंड्स, ये बॉर्डर मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में सिखाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दूंगी। यहाँ पे मेरे टोटल स्टिचेस हैं 26 फ्रेंड्स, जिसमें जो पतली वाली केबल है वो 2 स्टिचेस का रिपीट है, दूसरी वाली 8 स्टिचेस का रिपीट, और 4 मेरे 8 स्टिच हैं, 2 2 दोनों तरफ हैं। तो ये रहा रो 1, पहला हम एज इट इज़ ले लेंगे, फिर एक उल्टा स्टिच लेंगे। उसके फ्रेंड देखिएगा, एक हम इस घर को जो पीछे वाला फंदा है ना, इसको इस तरह से पहले निट करेंगे, फिर जो आगे वाला है उसे सिलाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से देखिए नेट कर लेंगे। ये हमारी पतली वाली केबल के लिए है। फिर उसके बाद एक उल्टा, एक और उल्टा, एक सीधा स्टिच, एक उल्टा, एक और उल्टा, फिर वापस दूसरी तरफ धागा, एक सीधा, एक उल्टा, एक और उल्टा, और यहाँ पर हम फिर से केबल डालेंगे पतली वाली। पतली वाली के लिए फ्रेंड्स, पहले पीछे वाले को हम नेट करेंगे, उसके बाद हमने ये फंदा इस तरह से उठाना है, पीछे वाला छोड़ देंगे और इसको फिर से हम ऐसे निट करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ रिपीट रहेगा फ्रेंड्स, वही 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे फंदे, एक सीधा फंदा, 2 उल्टे। धागा दूसरी तरफ, और फिर से हम एक बार यहाँ पे पतले वाली केबल डालेंगे। इसमें आप एक और तरीके से भी इसे डाल सकते हैं फ्रेंड, देखिए इस तरह से ऐसे सिलाई डाल लीजिए, इसको नट करिए, फिर उसके बाद इस वाले फंदे को ना ऐसे छोड़ना है हमने और इसको इस तरह से बनाना है। ये देखिए लास्ट के 2 एज स्टिच है हमारे, एक उल्टा और एक सीधा मैंने यहाँ पे लिया है। अब आती है हमारी फ्रेंड्स रो नंबर 2। रो नंबर 2 में देखिएगा, जो सीधा फंदा है वो सीधा नेट करना है, जो उल्टा है वो उल्टा करना है, जिसका ध्यान रखेंगे हम। ये सीधा है इस तरफ से तो हम सीधा बनाएंगे, फिर 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, माफ़ी चाहूँगी, एक और सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। हम इसको एक बार देख लेंगे, बीच बीच में चेक कर लीजिएगा ताकि रॉन्ग ना हो। एक उल्टा, फिर यहाँ पे 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक और उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक सीधा, एक और सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, यहाँ पे धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा हम उस तरफ करेंगे और एक और 2 सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर 2 उल्टे रहेंगे, धागा उस तरफ, एक सीधा और एक उल्टा। ये एज स्टिच है हमारा। अब देखिए, पहला स्टिच तो हम एज इट इज ले लेंगे फ्रेंड्स, ये रो 3 है। फिर एक उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, और यहाँ पे फिर ट्विस्ट करेंगे हम। ये पतले वाली केबल ही है इस तरह से, फिर इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे और इसको ऐसे निट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, एक सीधा, फिर से 2 उल्टे, फिर एक सीधा, 2 उल्टे, और एक इधर हम फिर से पतले वाली केबल डालेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पर ज्यादा इजी वही रहता है जो मैंने पहले सिखाया, तो मैं वही फॉलो करूंगी। 2 उल्टे, फिर एक सीधा, 2 उल्टे और एक सीधा फंदा, वापस 2 उल्टे फंदे, और ये दोनों वो रिपीट करेंगे हम पतले वाली केबल के लिए। एक उल्टा, एक सीधा, अब
अब फ्रेंड्स हमारी रो आती है, रो नंबर 4। इसमें फ्रेंड्स वही रिपीट रहेगा, जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे रॉन्ग साइड पे। पूरी रो ऐसे ही फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, जो आपको इस तरफ से दिखाई देंगे उसी तरफ से आपने लेना है। ये हमारी राइट साइड, अब आती है फ्रेंड्स हमारी रो नंबर 5। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, एक उल्टा, उसके बाद पतले वाली केबल डालेंगे हम, फिर धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो है ट्विस्ट करना है इस केबल को भी। अब देखिए हम इसे किस तरह से ट्विस्ट करेंगे, बीच के जो 3 3 6 उन्हें हम ट्विस्ट करेंगे। अभी देखिए, एक हम जो ये वाला है इसे उल्टा बना लेंगे, फिर हम धागा दूसरी तरफ। अब आगे जो पीछे वाले 3 फंदे हैं उन्हें ऐसे पीछे से हम उठाएंगे। इन फंदों को सिलाई में आप इस तरह से तीनों को इकट्ठा ले लीजिए एक बार। इस तरह से अब आगे वाले जो 3 है उन्हें इस तरह सिलाई से उतारेंगे और इनके बिल्कुल आगे से दूसरी सिलाई में हम ऐसे ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमने लिए हैं इनको भी इसी सिलाई के आगे डाल देंगे। अभी पीछे वाले फंदे हमने आगे ले लिए, अब जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर से एक और उल्टा फंदा, अब एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा। जो सीधा फंदा है वो सीधा ही रहेगा, जो उल्टा है वो उल्टा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा रिपीट खत्म होता है इसके लिए। अब वापस छोटी वाली केबल डालेंगे, फिर एक उल्टा फंदा, धागा दूसरी तरफ, अब यहाँ पे हम फिर से पीछे पीछे वाले 3 फंदे आगे लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से करेंगे, आगे वाले फंदों को पीछे शिफ्ट करेंगे। एक उल्टा, एक सीधा, एक फिर से उल्टा फंदा, अब एक और उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, धागा दूसरी तरफ। नहीं, एक उल्टा लेंगे पहले, फिर धागा दूसरी तरफ, और अब पतले वाली केबल हम डालेंगे। एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, लास्ट का एज स्टिच रहेगा। अब आती है हमारी रो नंबर 6, रॉन्ग साइड। सेम रहेगा फ्रेंड, जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा ही बनाएंगे, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा ही बनाएंगे हम रॉन्ग साइड से। पूरी रो में इसी तरह से आप फॉलो कर लीजिए।
आप फ्रेंड्स आगे आपने जो है पूरा रो 1 to 6 ही रिपीट फॉलो करना है। सेम हमारा फॉलो अप चलेगा, पूरा आपको जितना भी ये डालना है आगे तक केबल को उतना ये रिपीट करिए। मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बना के एक फाइनल लुक आपको इसका दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको डिज़ाइन सीखने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये देखिए हमारी जो केबल है वो इस तरह से दिखाई देगी आपको बनने के बाद। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर लगती है फ्रेंड्स। आप इसको कार्डिगन, स्वेटर, कैप्स, मफलर्स किसी में भी से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करने से ये वीडियो आपका एक लाइक लिस्ट में सेव हो जाता है जो आप फ्यूचर में कभी भी देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।